वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में। तो आज आपको बताने वाला हूं होंडा सिटी 4 जनरेशन पेट्रोल इंजन के अंदर 1.5 है और सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट के अंदर जो वॉल टाइमिंग वो किस तरह से करते हैं, क्रैंक की और जो कैम की वॉल टाइमिंग है किस तरह से मिलाते हैं, क्योंकि जो इंजन में वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टाइमिंग ही होती है। तो टाइमिंग किस तरह से सेट करते हैं, जो इससे पहले जो वेरियंट आता था जो मॉडल आते थे उसके अंदर भी सेम टाइमिंग है, तो किस तरह से सेट करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं होंडा सिटी 1.5 पेट्रोल इंजन के अंदर सिंगल ओवर कैमशाफ्ट है, इसमें टाइमिंग है वो किस तरह से सेट करते हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टाइमिंग ही होती है। तो कैम की और क्रैंक की टाइमिंग इसमें मिलाएंगे, इसमें दो की टाइमिंग मिलानी होती है। तो ये किस तरह से सेट करते हैं, तो सबसे पहले हम मिलाएंगे कैम की टाइमिंग। सबसे पहले मिलाते हैं कैम की टाइमिंग। तो कैम की टाइमिंग के लिए आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा, उसको आपको ऊपर की साइड में रखना है, अपर की साइड में रखना है। और जो चेन की जो पोजीशन है वो आपको तीन कट दिख रहे होंगे, ये कॉपर के जो तीन कड़ियाँ लगी हुई है वो आपको इन कट पे सेट करनी है तीनों को, ठीक है, इस तरह से। तो कैम की जो पोजीशन हो गई वो हो गई ऊपर की साइड में, आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, ठीक है, इस पोजीशन पर आपको कैम को रखना है, ठीक है। और जो तो ये होगी कैम की, और जो क्रैंक की जो पोजीशन है वो फर्स्ट सिलेंडर है वो एडजस्ट होना चाहिए। आप जो वाल वो फ्री होंगे आप जिस तरह से चेक कर सकते हैं, इसका मतलब जो क्रैंक की पोजीशन है वो सही है, एडजस्ट पोजीशन के अंदर है। और जो क्रैंक की टाइमिंग है, आपको ऑयल पंप पे एक एरो का निशान दिख रहा होगा, ठीक है, उसको और चेन पे जो आपको कड़ी दिख रही होगी कॉपर की उसके बीच में मैच कर रहा है, ठीक है। और जो क्रैंक का जो आपको पूरी गहराई दिख रही होगी वो कट पे ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और जो चेन की मार्किंग दिख रही होगी आपको एक ऑयल पंप पे, वो चेन के सेंटर में रखनी है, ठीक है। इस तरह से जो आप क्रैंक की टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, और कैम की आपको एरो कंडीशन ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और जो कॉपर के तीन कड़े दिख रही होगी वो तीनों एरो के निशान पर आपको सेट करनी है। और नीचे जो चेन की पोजीशन है, ये गिरारी जो लॉक दिख रहा है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, और ये चेन जो नीचे पोजीशन है उसके बीच में और ऑयल पंप को आपको मैच करना है बीच के अंदर, ठीक है। बाकी आपने एडजस्ट वाल जो आप हिला के देखेंगे उसको तो वो फ्री होंगे, इसका मतलब कि जो पिस्टन की पोजीशन है वो एडजस्ट पोजीशन के अंदर है और टॉप पे है, ठीक है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कैम की और क्रैंक की टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।